तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अब तक आप मेरे वीडियोस देख रहे थे, कटिंग के, स्टिचिंग के, और शॉर्ट्स देखे थे आपने कुछ। तो अब से मैं बनाने जा रही हूँ बुटीक का ब्लॉग। अगर आपको कुछ चीज़ मुझसे सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसी का कटिंग या स्टिचिंग सिखाऊंगी। तो चलो फिर स्टार्ट किया जाए। पहले बुटीक की सफाई करेंगे, उसके बाद जो हमारे छोटे मोटे कपड़े वगैरह हैं उनको सेट करेंगे, फिर आपको मैं कुछ नया सिखाऊंगी, मशीन के बारे में बताऊंगी। अभी आपने देखा मैंने थोड़ा बुटीक की साफ़ सफाई कर ली है। अब मैं आपको सिखाऊंगी मशीन को किस तरह से साफ़ रखना है, उसे किस तरह से ऑयलिंग करनी है, किस तरह से उसकी देख रेख करनी है। अगर वो मशीन सही रहेगी तो आप सिलाई अच्छी करेंगे। तो दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रही हूँ मशीन की क्लीनिंग किस तरह से करेंगे, किस तरह से मशीन को ठीक किया जा सकता है। आप छोटी मोटी कमियाँ इसकी अपने आप कर सकते हो ठीक। तो पहले हम इसकी क्लीनिंग करेंगे, मशीन के पूरे ये रील वगैरह निकाल के इनको बढ़िया तरह से रील निकाल दें। कभी भी आप ऑयलिंग करते हो तो रील फिरकी दोनों निकाल देनी है इस मशीन से, और इस तरह से बॉबिन भी निकाल देनी है। क्योंकि अगर हम बॉबिन या रील इसमें रखेंगे, अगर आप ऑयलिंग करेंगे तो ऑयल फिरकी के अंदर चला जाएगा और हमारा पूरा धागा ख़राब हो जाएगा। तो हमने पहले ही सब चीज़ निकाल दी है। और ये पुराना ब्रश अगर आपके पास है तो इसको ले लीजिए, एक ब्रश लीजिए, एक पुराना कपड़ा और ये ऑयल। तो सबसे पहले हम मशीन की सफाई करेंगे। वैसे मशीन की सफाई तो रोज़ ही करनी चाहिए, जब भी आप अपने काम पर आते हैं, काम करते हैं, उससे पहले इसकी क्लीनिंग कर देनी चाहिए। अगर मशीन सही रहेगी तो आपकी सिलाई अच्छी आएगी, और मशीन ख़राब रहेगी तो फिर सिलाई कहाँ से अच्छी आएगी। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से ऊपर उठाएंगे। ये मेरी मशीन मोटर वाली है जो बिजली से चलती है, पर मैंने इसको अभी डोरी से चला रही हूँ। तो इसको हम इस तरह से डोरी निकाल के और मशीन को हम उठाएंगे, इस तरह से मशीन को उठाना है, इस तरह से मशीन को उठा के। और ये ब्रश से हम इसकी क्लीनिंग करेंगे। पहले अच्छी तरह से मशीन के नीचे इस तरह से सफाई करनी है ब्रश से। इसमें धागे वगैरह कभी टूट जाते हैं तो उनको आराम से निकालना है। अगर आप इनको इसी तरह से रहने देंगे तो मशीन थोड़ी देर तो सही चलेगी, उसके बाद फिर ये दोबारा से ख़राब हो जाएगी और आपकी सुई भी टूट सकती है, इसमें नीचे बॉबिन ये टूट सकता है। इसलिए कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि मशीन भारी चल रही है तो तुरंत मशीन से बॉबिन निकाल के उसमें चेक करना चाहिए। इस तरह से ऑयलिंग कीजिए मशीन में। अगर आप ऑयलिंग लगा बार बार करते रहेंगे तो आपकी मशीन बढ़िया रहेगी। अगर आप घर में काम करते हैं तब तो आप कभी कभी करना ही चाहिए आपको, क्योंकि आप लोग कम काम करते हैं, पर जो बुटीक वगैरह में काम करते हैं उनको डेली करना चाहिए, इस तरह से ऑयलिंग करनी चाहिए। ये तो नीचे का पार्ट हो गया, इसको बढ़िया करके इस तरह से साफ कर दीजिए। फिर उसके बाद ऊपर का ये जो हमारा ये इसकी ब्लेड होती है नीचे मशीन की, इसमें इस तरह से कपड़ों के धागे फंस जाते हैं, तो ये
इस तरह से साफ़ करना है। ये ब्रश है ना बहुत अच्छी तरह से साफ़ होता है, मैं तो हमेशा इसी को यूज़ करती हूँ इस तरह से। मशीन हमारी अच्छी रहेगी तो काम भी बहुत अच्छा होता है, मशीन ज़्यादा ख़राब भी नहीं होती है इस तरह से। और ऑयल हर जगह डालना चाहिए इस तरह से, ऑयल एक एक दो दो बूंद मशीन के हर एक पार्ट में डाल दीजिए। और यहाँ पर कभी आप यहाँ पे ऑयलिंग करते हैं तो ये जो डोरी है, डोरी के उसमें ना जाएं, इसलिए थोड़ा आराम से डालिए। अगर डोरी में, डोरी वाले हिस्से में अगर ऑयल चले जाएगा तो आपकी जब आप मशीन चलाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी, क्योंकि वो ऑयल से थोड़ा मुलायम हो जाएगा तो डोरी और ये जो इसकी जगह है हैंडल की, ये थोड़ा स्मूथ हो जाएगा और फिर आपको बहुत दिक्कत आएगी मशीन चलाने में। इसलिए ध्यान से यहाँ पर आराम से ऑयलिंग कीजिए, हाथ से थोड़ा इसको इस तरह से घुमाइए इस तरह से। जब भी ऑयलिंग के हाथ से घुमाते रहना चाहिए, जहाँ जहाँ आपको लगे कि मशीन के पार्ट दिख रहे हैं वहाँ वहाँ ऑयलिंग कर दीजिए इस तरह से। इसको भी करते हैं भाई, अभी टाइट हो रखा है इसलिए हम इसे नहीं कर रहे भी इस तरह से। ये तो अम्ब्रेला मशीन है, अम्ब्रेला मशीन में इतनी दिक्कतें नहीं आती है जितनी की छोटी वाली फुल सिटील वाली मशीन में आती है, क्योंकि उसमें बहुत नीचे बॉबिन के नीचे बहुत धागा फंस जाता है। इसमें तो इस तरह से धागा फंसने की थोड़ा कम दिक्कतें आती है, इसलिए ये मशीन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। इस तरह से अपनी मशीन को क्लीन कर देना चाहिए, कपड़ों के रुई वगैरह चिपक जाते हैं इस तरह से, इसे क्लीन कर दीजिए। ये जब ऑयलिंग हो जाएगी इस तरह से, तो ये जो कपड़ा है ना इसको इस तरह से रख के यूँ, ऑयल होने के बाद आप इसको इस तरह से कपड़े को फोल्ड करके मशीन के नीचे रख देना है, क्योंकि जितना भी ऑयल है इस कपड़े में आएगा। इसके तुरंत बाद आप सिलाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑयल बॉबिन के अंदर चला जाएगा, फिरकी में या रील पे लग जाएगा, तो उससे हमारी सिलाई ख़राब होगी, सुई से धागा टूटेगा बार बार। तो इसीलिए ऑयलिंग करने के बाद आप इसमें सिलाई ना करें, इस तरह से कपड़े रख दीजिए। तो अभी मैंने आपको मशीन में ऑयलिंग करना बताया, उसे क्लीन किस तरह से किया जाता है वो बताया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। तो दोस्तों आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ